Hello dear students, how are you? Welcome to our YouTube channel that is Atul Accountancy Classes from Nasik. First of all, कैसे हो आप सब लोग? इस pandemic में, इस lockdown में सभी लोग अपने परिवार के साथ घर में ही सुरक्षित होंगे, ये भगवान से दुआ करते हैं। तो बच्चों, तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही interesting topic, एक बहुत ही important topic, that is capital expenditure and revenue expenditure. हमें एक्सपेंडिचर क्या होता है ये तो पता है, 11th स्टैंडर्ड से हमने देखा है, 11th स्टैंडर्ड से हमने एक्सपेंडिचर, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में जितना डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है उतना अब हमें सीए फाउंडेशन के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है और किस पॉइंट पे इनमें फर्क किया गया है, क्या सोच के इनमें फर्क किया गया है। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जो खर्चा हम करते हैं, वो किस एंगल से किया जाता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर ट्रीट करेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ट्रीट करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है, वेदर इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम और वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि जो हम बार बार नहीं करते हैं, रिपीटेडली नहीं होते हैं, तो ये होते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम और वंस फॉर अ लॉन्ग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी में मशीनरी परचेस कर लिया, ऑफिस में फर्नीचर परचेस कर लिया है, या कोई बिल्डिंग परचेस की है, कोई व्हीकल परचेस किया, तो ये काम बार बार रिपीटेडली नहीं होते हैं। मशीनरी की लाइफ 10 से 15 साल हो सकती है। अगर आप कोई बिल्डिंग परचेस करते हो, कोई फैक्ट्री परचेस करते हो, तो मोस्टली इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम और एटलीस्ट वंस फॉर अ लॉन्ग लाइफ। सो अगर ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया पे वो एक्सपेंडिचर खरा उतरता है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड, बिल्डिंग परचेस्ड एक्सेट्रा। तर दोस्तांनो, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल की कॅपिटल एक्सपेंडिचर ओळखण्याचा पहिला मुद्दा काय। जर एखादा खर्च लॉन्ग पीरियड साठी केला गेला असेल आणि किंवा वन्स इन अ लाइफ टाइम केला गेला असेल, तर दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, मग प्रश्न येतो, सर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर काय? इट इज एक्सपेंडिचर इनकर रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। असे एक्सपेंसेस जे पुन्हा पुन्हा केले जातात, रिपीटेडली म्हणजे पुन्हा पुन्हा, फ्रिक्वेंटली म्हणजे बऱ्याच वेळा, एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठराविक कालावधी नंतर केले जाणारे खर्च जे असतात त्याला म्हणतात रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर। उदाहरणार्थ, तुमच्याकडे काम करणाऱ्या एम्प्लॉयला दिली जाणारी सॅलरी, जर तुमचं ऑफिस रेंटल असेल तर ऑफिसचं रेंट, लाईट बिल, इन्शुरन्स प्रीमियम, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर।
एक्सेट्रा. सो या दोघांमधले पॉइंट तुमच्या लक्षात आलेले असतीलच. सेकंड क्रायटेरिया काय आहे की ज्याच्या मदतीने आपण ओळखू शकतो की कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे का रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. सो फ्रेंड्स लोक, जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर होते दॅट मोस्टली ऍड्स समथिंग टू युअर प्रॉपर्टी. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं उससे क्या होता है, आपके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होता है, कुछ तो ऐड होता है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल, आप अगर मशीनरी परचेस करते हो, फर्नीचर परचेस करते हो, बिल्डिंग परचेस करते हो, कोई व्हीकल परचेस करते हो, दैट एड्स टू योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है उससे. ओके, सो इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ एक्सपेंडिचर इज एडिंग समथिंग टू योर प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट डू नॉट एड एनीथिंग टू प्रॉपर्टी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपके प्रॉपर्टी को कुछ एड नहीं करता है. ओके, जो है प्रॉपर्टी वैसे ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी पेड कर रहे हो, लाइट बिल पेड कर रहे हो, तो आपके प्रॉपर्टी में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी आपकी एड नहीं हो रही है. इट इंक्रीजेस योर earning capacity. Capital expenditure helps you to increase your earning capacity. आपका जो earning capacity है वो बढ़ जाता है अगर आप capital expenditure करते हो तो. For example, company में 10 machineries है और आप और नए 5 machineries ले रहे हो, तो आपके मशीनरी का कैपेसिटी 10 से 5 मतलब 15 मशीनरी हो जाती है, तो प्रोडक्शन भी आपका 150% हो जाता है. और अगर प्रोडक्शन 150% होता है तो ऑफकोर्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है. अगर क्लासेस की बात करूं तो मेरे पास अगर 4 क्लासरूम है, मैं और एक क्लासरूम परचेस करता हूं, तो मेरे क्लासरूम की कैपेसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, बट ऑफकोर्स मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है. It maintains your earning capacity. Revenue expenditure आपकी earning capacity बढ़ाता नहीं है, तो that maintains your earning capacity. जो आज already आपकी earning है वो उतनी बड़ी रहे, बनी रहे, तो उसके लिए जो मदद होता है वो revenue expenditure का होता है. For example की बात अगर हम करें तो advertisement. Advertisement से आपकी भले business शायद ना बढ़े, लेकिन जो business है वो आपका पहले maintain होता है. हर बिजनेस में नहीं सोचता कि मेरा बिजनेस पहले मेंटेन हो जाए उसके बाद बढ़ जाए. सो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए भी काम आता है, लेकिन फर्स्ट जो इंटेंशन होता है कि भाई मेरा बिजनेस बना रहे, मेंटेन रहे, दैट्स व्हाट फॉर वी आर मेकिंग द एडवर्टाइजमेंट, एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज योर बिजनेस. और मे बी अगर मैं मेरे क्लासेस की बात करूं तो मेरे क्लासेस में जो स्वीपर है, जो रोज शाम को मेरे स्वीपिंग करने आते हैं मेरे क्लासरूम, या जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में पे करता हूं, उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंटेन होने के लिए मदद होती है. अगर स्वीपिंग ना की जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना यूज की जाए, तो शायद कल से स्टूडेंट आना कम हो जाए या बोले कि इस क्लास में कंफर्टेबल नहीं है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने के चांसेस है. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स यू टू मेंटेन योर अर्निंग कैपेसिटी. ओके, होपफुली मैं कोई ऐसा सोचता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी. इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रिकरिंग है. नॉन रिकरिंग का मतलब क्या, कि जो बार बार नहीं होता है, रिपीटेडली नहीं होता है, उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं.
इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब रिपीटेडली होता है, जैसे हमने ऊपर लिखा भी था रिपीटेडली एंड फ्रिक्वेंटली। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिपीटेड नेचर, मीन्स इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। अगला एक पॉइंट जो बोला जाता है मोस्टली, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्ये मोस्टली अमाउंट जी असते ट्रांजॅक्शन ची ती मोठी असते, स्मॉल अमाउंट नसते, मोठ्या अमाउंट ची ट्रांजॅक्शन असते ती मोस्टली कॅपिटल एक्सपेंडिचर असते। कंपॅरेटिव्हली रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मध्ये जी अमाउंट इन्वॉल्व्ड असते ती स्मॉल अमाउंट असते। फॉर एक्झाम्पल मशिनरी, फर्निचर, बिल्डिंग यांच्या अमाउंट या मोठ्या अमाउंट असतात, सो इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट। वेअर एज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मध्ये सॅलरी, रेंट, लाईट बिल, इन्शुरन्स या कंपॅरेटिव्हली स्मॉल अमाउंट असतात। सो स्मॉल अमाउंट मोस्टली स्टँड फॉर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड ह्यूज अमाउंट मोस्टली स्टँड फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर। कॅपिटल एक्सपेंडिचर जनरली हेल्प्स यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। व्हॉट इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन? कॉस्ट ऑफ बिझनेस ऑपरेशन ऑर बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज। जे आपल्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज आहे त्याच्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो खर्च कमी करायला मदत करतात, दोज आर द कॅपिटल एक्सपेंडिचर। किंवा कॅपिटल एक्सपेंडिचरमुळे आपल्या बिझनेसचा खर्च, कॉस्ट ही कमी होते। फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ पूर्ण फॅक्टरीचा, कंपनीचा जर विचार केला तर तिथे जर रेग्युलर आपल्या ट्यूबलाईट्स किंवा बल्ब्स असतील आणि जर ते ट्यूबलाईट्स आणि बल्ब रिप्लेस केले विथ एलईडी बल्ब्स, सो एलईडी बल्ब विल बी द कॅपिटल एक्सपेंडिचर अँड दॅट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द लाईट बिल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कमी होणार त्याच्याने, त्याच्यामुळे इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। किंवा एखाद्या मशिनरीचा पार्ट जर बदलला आणि एखाद्या मशिनरीचा जुना पार्ट काढला, त्या ठिकाणी जर जास्त एफिशियंट पार्ट ऍड केला किंवा ऑटोमायझेशन केलं तर त्यामुळे कंपनीला येणारा खर्च, कन्झम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड रॉ मटेरियल किंवा वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हे कमी होऊ शकतं, त्याच्यामुळे बिझनेसची कॉस्ट ही कमी होत आहे। इट डू नॉट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट हेल्प यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। काय होत आहे की झालेला खर्च फक्त पेड करायचा आणि रेकॉर्ड करायचा आहे। सो लाईट बिल, सॅलरी, रेंट हे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, ते आहे ते पेड करायचे आहे, त्याच्याने तुमची कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ही काही कमी होत नसते हे लक्षात ठेवायचं आहे। नेक्स्ट पॉइंट विच हेल्प्स अस टू मेक द डिफरन्स बिटवीन दिस टू इज लॉन्ग लाईफ। मोस्टली ह्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरची जी लाईफ असते ती लॉंग लाईफ असते, जसं आपण इथे म्हटलंच होतो, ओके। कारण की आपण केलेला खर्च हा पुढचे अनेक वर्ष बिझनेसमध्ये काम करणार आहे, मे बी मशिनरी, फर्निचर, बिल्डिंग, बेंचेस इन द क्लासेस, एसीज, फॅन्स, ओके, हे तुम्हाला लॉंग लाईफ मध्ये काम करतात, लॉंग लाईफ मध्ये सर्व्हिस देतात। सो ह्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरची लाईफ ही लॉंग लाईफ असते। रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरची ही लाईफ जी असते ती शॉर्ट लाईफ असते, जनरली वन अकाउंटिंग पिरियड, म्हणजेच एक फायनान्शियल इयर जास्तीत जास्त मोस्टली त्याची लाईफ असते। सॅलरी, रेंट, लाईट बिल याचा विचार केला तर याची लाईफ तर एकच महिन्याची असते, कारण नेक्स्ट मंथ मध्ये तुम्हाला परत सॅलरी द्यायची आहे। परंतु इन्शुरन्स प्रीमियम असेल, डेप्रिसिएशन असेल, यांची लाईफ ही मोस्टली
फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड असते, एका वर्षापर्यंत याची लाइफ असते. इट इज रेकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. हे कुठे रेकॉर्ड होतात? बैलेंस शीटच्या एसेट साइडला रेकॉर्ड होतात. म्हणजे थोडक्यात आपली ती एसेट असते, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, हे सगळे आपल्या काय एसेट्स आहेत. म्हणजे दॅट इज रेकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वेअर एज इट इज रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन्क्लुडिंग ट्रेडिंग अकाउंट. इट इज रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन्क्लुडिंग ट्रेडिंग अकाउंट. हे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, रिपीटेडली होणार आहेत, म्हणून दीज आर द रिकरिंग नेचर ऑर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड दोज आर रेकॉर्डेड ट्रान्सफर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सो मित्रांनो, हे महत्वाचे काही 8 मुद्दे आहेत जे आपल्याला मदत करतात की दिलेला एक्सपेंडिचर हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे हे आयडेंटिफाय करायला. कारण की त्याच्यावर डिपेंड आहे तुमचं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, त्याच्यावर डिपेंड आहे तुमचं बिझनेसचं फायनान्शियल स्टेटमेंट, आणि त्याच्यामुळे तुमचं बिझनेसचं ट्रू अँड फेअर पिक्चर हे त्याच्यामुळे बदलू शकतं जर ते चुकीचं लिहिलं तर. त्यामुळे दिलेला एक्सपेंडिचर, दिलेली ट्रान्झॅक्शन ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे का रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. त्यासाठी हे महत्वाचे 8 पॉइंट आहेत. सो होपफुली तुम्हाला हे सगळ्यांना कळालं असेल अशी आपण अपेक्षा करूया. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये इतकंच असेल. पुढचे काही महत्वाचे पॉइंट आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नक्कीच बघूया. तत्पूर्वी जाण्यापूर्वी एक महत्वाचं, या कोरोना काळामध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये खूप महत्वाचं आहे की आपण सर्वांनी एक तर बाहेर पडू नका विनाकारण, जर बाहेर जातच असाल तर कंपल्सरी मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, आणि वेळोवेळी साबणाने सॅनिटायझरने आपले हात स्वच्छ करत राहा. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू.